नाजरीन, मैं आपका दोस्त मोहम्मद आमिर, आप देख रहे हैं एनीटाइम न्यूज़। सच को रखे सबसे आगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सुलेमान नगर डिवीजन प्रेसिडेंट मोहम्मद इस्माइल। हमारे रेवंत रेड्डी सीएम साहब की हिदायत से हम काम कर रहे हैं। राजेंद्र नगर एरिया में फंडिंग रिलीज किया है। आपकी हिदायत में हम जहां सुलेमान नगर हमारे डिवीजन में जहां जहां हमारे पब्लिक के प्लेसेस पे जो प्रॉब्लम्स है, जो ड्रेनेज का प्रॉब्लम मेन रोड पे, यहाँ पे MM पहाड़ी चौरस्ते पे यहाँ कन्वर्ट है, वो कन्वर्ट बिल्कुल पानी आ गया तो यहाँ पे पूरा जाम होता। और यहाँ पे एक स्कूल है, 500 पब्लिक ग्लोरियम स्कूल है, वो स्कूल में 500 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। और मच्छर, डेंगू, मलेरिया ये चीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। हम ये चाह रहे हैं कि ऑफिस से ये बिल्कुल यहाँ पे बेच डाल रहे कि ये रोड पूरा बड़ी चौड़ी करके और इस चीज को बनाने के लिए हम GHMC ऑफिसर्स को हम लेटर दे रहे हैं। और ये फंडिंग में ये काम पैच वर्क जितने भी है काम करने के है, और ड्रेनेज प्रॉब्लम जितने भी है जो वाकई पब्लिक सफल हो रहे उसमें बहुत तकलीफ उठा रहे, वो जल्द से जल्द हम काम कराने की कोशिश कर रहे हैं। चश्मे में भी ड्रेनेज लाइन के प्रॉब्लम से वहाँ पे भी, और सुलेमान नगर डिवीजन में चश्मा आता है उस एरिया में करंट के पोल्स भी नहीं है, तो 70 पोल्स के लिए भी हम लोग लेटर दिए गए हैं। और स्ट्रीट लाइट के लिए भी हम बोले, और जहाँ जहाँ हमारे रोड के पैच वर्क है, रोड सही नहीं है, उस जगह रोड भी दलाने की हम कोशिश करेंगे। जल्द से जल्द हम ये काम करने के लिए कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। अरे पूरे देख लीजिए, यहाँ के अमाम भी साथ है हमारे, नहीं है भाई तो हम बिल्कुल GHMC कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के पास हम लेटर ले आके देंगे, अप्रूवल करा के हम काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। पब्लिक का जो भी प्रॉब्लम है तो आप लोग आइए, सुलेमान नगर डिवीजन प्रेसिडेंट हो भाई मेरे पास कभी भी आइए। मैं चश्मे में रहता हूँ, कुंटे में रहता हूँ, मजीद इब्राहिम कलीलवा में मेरी ऑफिस है। आप लोग आके बिल्कुल कोई भी चीज़ है सुलेमान नगर का, मैं जितना हो सका मैं आप लोगों को अमाम का काम कराने के लिए सामने रहूँगा। हम भी सब हम भी बोले क्या करते कम्बे लेके।